नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आपको ले चल रहा हूं सीधे उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर यानी कुशभावनपुर, जहां नवरात्र की पावन मेला पवित्र धरती संपूर्ण भारत में मां दुर्गे की आरती पूजा अर्चना चल रही है। पूजा अर्चना घर से लेकर मंदिरों तक मां दुर्गे की आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं सभी सनातन धर्म के लोग, वहीं पर संपूर्ण भारत के लोग। और यहां पर खास तौर से आपको ले चल रहा हूं सुल्तानपुर, जहां पर इस वक्त कूड़े भार अयोध्या चौरे बाजार यहां पर मेला समारोह चल रहा है। यह दुर्गा पूजा 24 अक्टूबर 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक कार्यक्रम मेला चलेगा, जिसमें कि दूर दूर से आम जनता मेले में शामिल होते हैं। गांव, कस्बा, शहर में कुशभावनपुर, कूड़े भार बाजार, अन्य स्थानों पर मेले में शामिल होकर और भक्ति मेले का आनंद लेते हैं। मां दुर्गे की यहां पर पूजा अर्चना चलती है और हजारों हजारों संख्या में नौ युवा साथी, बुजुर्ग और बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं। यह भक्ति मेला नवरात्र के शुभ अवसर पर आम जनता का मां दुर्गे की शानदार पंडाल और पूजा अर्चना जो है दिन रात किया जाता है। यह संपूर्ण भारत वर्ष में नवरात्र में मां दुर्गे की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सभी महिलाएं, बच्चे, बहन, नौयुवा साथी और श्री राम जी की रामलीला संपूर्ण भारत वर्ष में यह आप देख सकते हैं। अनेक जगहों पर मंचन पार्कों से लेकर अनेक जगह पर रामलीला मंचन किया जाता है। और वहीं पर आप देख रहे हैं या दशहरा से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक यानी सुल्तानपुर कुशभावनपुर में नवरात्र की पावन मेला, यहां पर भक्ति मेले के साथ सभी लोग आनंद लेते हैं और पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ हमारे देश की सनातन धर्म की सबसे बड़ा परंपरा है, जो घर से लेकर मंदिरों तक और मंदिर से लेकर अनेक जगहों पर बाजार अन्य नवरात्र के शुभ अवसर पर सजाया जाता है। यह है हमारे देश की सबसे बड़ी सनातन धर्म की परंपरा, जहां पर आपको बता दूं कि अब संपूर्ण भारतवर्ष देवी देवताओं का जन्मस्थली भारत है, जो कि यहां पर सभी श्रद्धा पूर्वक से मां दुर्गा और देवी देवताओं का पूजा अर्चना किया जाता है। सभी भक्त भाव से लोग अपनी अपनी श्रद्धा से आगे बढ़ते हैं। वहीं पर आपको बता दूं कि जो है सुल्तानपुर, कूड़े भार और चौरे बाजार में इस वक्त मेला चल रहा है और यह दशहरा से लेकर 30 अक्टूबर तक यहां पर मेला रहेगा। इस महीने के लास्ट तक आप यह कार्यक्रम देख सकते हैं। आज सुबह टाइम्स टीम भी आप सभी देशवासियों और शक्ति दुर्गा माता की भक्ति सभी जो है शुभकामनाएं देते हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेले का आनंद लेने के लिए सभी लोग मेले में जो है सभी मां दुर्गा पूजा अर्चना और खरीदारी भी भरपूर कर रहे हैं। हजारों हजारों की संख्या में चाहे महिलाएं हों, नौयुवा साथी, बुजुर्ग और बच्चे सभी, मां बहन बेटियां सभी लोग मेले देखने के लिए आते हैं। यह भक्ति मेला नवरात्र के शुभ अवसर पर आम जनता मां दुर्गा की शानदार पंडाल दिखाई देती है। यह पंडाल बहुत ही सुंदर सुशोभित करने वाली होती है और माता रानी को मनाने के लिए सभी लोग जो है आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह संपूर्ण भारतवर्ष में जब नवरात्र का समय आता है तो लोग भक्तिभाव में जो है लीन हो जाते हैं और सभी लोग माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और सभी घर परिवार के लोग सभी माता रानी का पूजा अर्चना करते हैं। यह नवरात्र का पावन बेला बहुत ही खुश और माँ जो है नवरात्र में अपने भक्तों के घर आ जाती हैं और आशीर्वाद देने के लिए। तो संपूर्ण भारत में नवरात्र का समय चल रहा है, आशीर्वाद साथ साथ है। श्री राम जी का रामलीला मंचन भी किया गया नवरात्रों में और प्यार मोहब्बत स्नेह के साथ और माता रानी का जो आप देख रहे हैं उसी के साथ साथ विभिन्न पार्कों में भी रामलीला मंचन का जो आनंद रहा बहुत ही अच्छा लगा लोगों को। वहीं माँ की कृपा और
आनंदमय के साथ जब दिखाई देती है तो कितना सुंदरता आम लोगों को यह दिखाई देती है। समारोह में दूर दूर से लोग जो है मेले में आते ही हैं। गांव का मेला, कस्बे का मेला, शहर का मेला अलग अलग तरह के दिखाई देती है। वहीं पर गांव तो गांव का ही आनंद कुछ और ही होता है। जहां पर आपको बता दूं माता रानी की कृपा बरसती है, सनातन धर्म हिंदुओं पर भव्य समारोह आप देख रहे हैं। यहां पर आप भजन कीर्तन और अन्य अर्चना चल रही है। पूजा अर्चना घर से लेकर मंदिरों तक माँ दुर्गे की आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं सभी सनातन धर्म के लोग। वहीं पर संपूर्ण भारत के लोग और यहाँ पर खास तौर से आपको ले चल रहा हूँ सुल्तानपुर, जहाँ पर इस वक्त कूड़े भार अयोध्या चौरे बाजार यहाँ पर मेला समारोह चल रहा है। यह दुर्गा पूजा 24 अक्टूबर 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक कार्यक्रम मेला चलेगा, जिसमें कि दूर दूर से आम जनता मेले में शामिल होते हैं। गांव, कस्बा, शहर में कुशभावनपुर, कूड़े भार बाजार, अन्य स्थानों पर मेले में शामिल होकर और भक्ति मेले का आनंद लेते हैं। माँ दुर्गे की यहाँ पर पूजा अर्चना चलती है और हजारों हजारों संख्या में नौ युवा साथी, बुजुर्ग और बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं। यह भक्ति मेला नवरात्र के शुभ अवसर पर आम जनता का माँ दुर्गे की शानदार पंडाल और पूजा अर्चना जो है दिन रात किया जाता है। यह संपूर्ण भारत वर्ष में नवरात्र में माँ दुर्गे की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सभी महिलाएं, बच्चे, बहन, नौयुवा साथी और श्री राम जी की रामलीला संपूर्ण भारतवर्ष में यह आप देख सकते हैं। अनेक जगहों पर मंचन पार्कों से लेकर अनेक जगह पर रामलीला मंचन किया जाता है और वहीं पर आप देख रहे हैं यह दशहरा से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक यानी सुल्तानपुर कुशभावनपुर में नवरात्र की पावन मेला यहाँ पर भक्ति मेले के साथ सभी लोग आनंद लेते हैं और पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ हमारे देश की सनातन धर्म की सबसे बड़ा परंपरा है, जो घर से लेकर मंदिरों तक और मंदिर से लेकर अनेक जगहों पर बाजार अन्य नवरात्र के शुभ अवसर पर सजाया जाता है। यह है हमारे देश की सबसे बड़ी सनातन धर्म की परंपरा, जहां पर आपको बता दूं कि अब संपूर्ण भारतवर्ष देवी देवताओं का जन्मस्थली भारत है, जो कि यहां पर सभी श्रद्धा पूर्वक से मां दुर्गा। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।